हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं बीटरूट फ्राई। ये एक साइड डिश है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी है। इसके लिए मैंने दिया आधा किलो बीटरूट, उसके अलावा एक प्याज है बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट एक स्पून है, हल्दी हाफ टी स्पून है, करिया पत्ती के स्ट्रिप्स है, नमक है एक स्पून, जीरा और सरसों, उसके अलावा हींग, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, तिल्ली दो टी स्पून है, बारीक कटा हरी मिर्च है और तेल है। सबसे पहले मैंने पैन रखा है, फिर उसमें मैंने डाला है दो टीस्पून सफ़ेद तिल्ली, डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। इसके बाद इसको हम लोग पाउडर बना लेंगे। अगर आपको सफ़ेद तिल्ली नहीं डालना है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट, खिसा हुआ नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये भुन गया है, इसको ठंडा होने के बाद मैं पाउडर बना लूँगी। अब सेम उसी पैन में मैंने डाला है दो टीस्पून ऑयल, ऑयल कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। उसके बाद मैंने डाला है जीरा और सरसों, जैसे ये थोड़ा सा क्रैकल हो गया उसके बाद मैंने डाला है प्याज, उसके पहले मैंने थोड़ा सा हींग डाला था, फिर हरी मिर्च डाल के अब मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ। हींग कम्प्लीटली ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है करिया पत्ती, डाल के मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है। जैसे ये थोड़ा सा भून गया है उसके बाद मैंने इसमें डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट एक टीस्पून, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने डाला है हाफ टी स्पून हल्दी और बीटरूट, हाफ के जी बीटरूट है जिसका छिलका उतार के मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। आप चाहो तो खिसके भी बना सकते हो, बनाने का प्रोसीजर सेम रहेगा। खिसके बनाने से सब्जी थोड़ी सी जल्दी बनती है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के मीडियम हाई फ्लेम पर मैं 5 मिनट तक पकने के लिए रख दूंगी। बीच बीच में मैंने इसे मिक्स भी किया था। 5 मिनट बाद बीटरूट थोड़ा सा गल गया, पूरी अच्छी तरह से नहीं पका है बट थोड़ा सा पक गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के अच्छे से मिक्स करके मीडियम हाई फ्लेम पे उसको हम लोग तब तक पकाएंगे जब तक कि बीटरूट अच्छे से पक नहीं जाता है, या 4 से 5 मिनट तक। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है, मिक्स करके अब मैं इसे ढक दूंगी। ये सब्जी बहुत जल्दी बनती है, इसे एज ए साइड डिश खा सकते हो, रोटी चावल पराठा किसी के भी साथ खाओ, सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये सब्जी में ना तो बहुत ज़्यादा मसाले लगते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत है, बट टेस्टी बहुत ज़्यादा है। 4-5 मिनट बाद मैं देख रही हूँ सब्जी काफ़ी अच्छे से पक गया है। एक बार आप चेक कर लेना आपका बीटरूट अच्छे से पका है कि नहीं, अगर नहीं पका है तो 1-2 मिनट तक और पकने के लिए रख देना। यहाँ बीटरूट अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तिल्ली का पाउडर जिसे हमने भून के रख लिया। अगर आपको तिल्ली का पाउडर नहीं पसंद है तो जैसे कि मैंने पहले बताया आप डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। बस इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना, उसके बाद आप इसे गर्म या ठंडा रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ भी सर्व करना उसके साथ आप सर्व कर सकते हो। बनाकर आप 2-3 दिन तक फ्रिज के बाहर रख के भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। हमारा बहुत ही टेस्टी बीटरूट फ्राई बनके रेडी है। अब आप भी इसे बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।